भारत में भव्य स्तर पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने शिरकत की। जो बाइडेन, ऋषि सुनक, जस्टिन ट्रूडो समेत कई देशों के नेताओं ने बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन में कई विषयों पर बातचीत हुई, जिसमें मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के उपयोग पर चर्चा के साथ ही तेजी से विकसित हो रही टेक्नोलॉजी की वैश्विक निगरानी पर जोर दिया गया है। इसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने News18 से बातचीत की। उन्होंने बताया कि भारत भी एक व्यापक दृष्टि पर विचार कर रहा है, जो व्यवधान पैदा कर सकने वाली सभी नई टेक्नोलॉजियों के खिलाफ सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा IT एक्ट की जगह लेने वाला नया डिजिटल इंडिया एक्ट इन उभरती टेक्नोलॉजीज पर गौर करेगा। राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि हम निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट हैं कि हम यूजर्स के नुकसान, पारंपरिक सुरक्षा और विश्वास के लिहाज से AI और वास्तविक में उभरती या मौजूद हर तकनीक को रेगुलेट करने का इरादा रखते हैं। IT एक्ट की जगह लेने जा रहे डिजिटल इंडिया एक्ट पर जल्द ही परामर्श शुरू होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके जरिए एक आधुनिक समकालीन ढांचा बनाने जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से सुरक्षा और विश्वास के मुद्दे पर गौर करेगा। हमारे पास वर्तमान में मौजूद पारंपरिक इंटरनेट ही नहीं, बल्कि AI और क्रिप्टो सहित कई तकनीकों तथा व्यवधान की सभी चुनौतियों पर भी विचार किया जाएगा। राजीव चंद्रशेखर ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि हम निश्चित रूप से नवाचार पर ब्रेक या इसे धीमा नहीं करना चाहते हैं। हालांकि हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे बदलाव केवल हमारे व्यवसाय और लोगों की भलाई के लिए हों। यूजर्स को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। यानी स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में बहुत सख्ती से IT एक्ट को लागू किया जाएगा और इसका पालन करवाया जाएगा। जल्द ही क्रिप्टो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कानून बनाया जाएगा। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से उपयोग में आएगा, जिसको लेकर हमें अभी से तैयार रहने की जरूरत है। फिलहाल G20 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच काफी चर्चा हुई है। घोषणा पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि सुरक्षा, भरोसेमंद, जवाबदेही और समावेश, DPI, मानवाधिकारों, व्यक्तिगत डेटा की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। घोषणा पत्र में डिजिटल प्रवेश को बढ़ावा देने के साथ ही अच्छा और सभी के लिए जिम्मेदारी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की बात कही गई है।